इधर वेख लो पीर जिन्ने ने कि कोई दुआ नहीं आती, आ जिन्ने मौलवी ने आँदी इन्होंने भी कोई नहीं। मैं जनाजे से क्या पूरा पिंड हल्दीस हो साईवाल के कोल छोटी सेंती है, वह कह लगे आओ जी जनाजा पढ़ाओ तो हाँ सानू एल हदीस किया। उत्थे मेजर साहब ने उन्होंने बीवी फौत, मैं गया वो हूँ मौलवी दो तीन खलोते नाल एक पीर खलोता, उन्हें मोटे तक गज को चादर रखी तीन चार गज तो नाल उन्हें पग बनी। उन्हें कहा जी पीर साहब जनाजा पढ़ाने के भाभी के पिछे साडा नहीं हुंदा। मैं क्या हूँ मैं इन्हों क्या मेरी थोड़े पिछे नहीं हुंदी, इत्थे लड़ाई हो पैनी है। मैं उन्होंने कहा जी जनाजा पढ़ाना किन्ने में है जी, आ पीर साहब ने पढ़ाना। मैं पीर साहब को कहो जनाजा पहलू मैनू सुना दुआवा। मैं क्या मैनू पहलू सुना ने पढ़ाण, मैं इन्होंने मगर पढ़ना। हुण पीर मेरे अल एवें वेखे जिवें आफरी मज किताबे अल वेंदी है, उहनू आउंदा होवे तां। और मैं क्या पीर साहब तुहां जनाजा पढ़ाना है, आखिर एड्डी वड्डी पग बन के आए हो, जनाजे दीआं दुआवां मैनू सुनाओ तां तुसीं पढ़ाओ मैं पढ़ना। वो जिहड़े मौलवी बहुते टप्पदे हन, मैं क्या तुसीं पढ़ा सुना दिओ जनाब, तुहाडे जो किसे नूं आउंदीआं ने तुसीं मैनू पहलू सुनाओ ना, क्योंकि तुहां ते पढ़ना चुप करके ते मैनू पहलू दुआवां सुनाओ ताकि मैनू पता लगे भी तुहानूं दुआवां आउंदीआं ने। वो ना सुना सके चारे दे चारे ही लाजवाब। मैं क्या हुण तुसीं मेरे मगर खलोवो, मैं उच्ची आवाज पढ़ना, तुसीं हुण गिणी जाए मैं दुआवां पढ़ना गिणियां वा। गल दी समझ आ रही, जनाजा पढ़िया उन्होंने मजबूरन पढ़ना पिया पिछे। सवेरे एक मौलवी ने स्पीकर खोलिया, उन्हें कहा जिन्हें भाभी पिछे कल जनाजा पढ़िया उहदे निकाह टुट गए। मैनू सवेरे सवेरे एक बंदे का फोन आया, मैं नमाज पढ़ के घर ही पहुंचा, नमाज फजर पढ़ के मैं आंदा जी पसरूरी साहब मौलवी साहब ऐलान करता पाया जिन्हें कल जनाजा पढ़िया ना यूसुफ पसरूरी के पिछे उहदे निकाह टुट। मैं कहा मौलवी ने पूछ तू कितने पढ़िया, वो बोलते आओ ते सही। जनाजे की पहली तकबीर तो बाद सूरत फातिहा, मैनू एक मौली कहन लगा थोड़ा साडा रौला ए वे इमाम के पिछे सूरत फातिहा पढ़ा, इमाम के पिछे विखाओ किथे ने खलफल इमाम दे लफज। मैं क्या कंजुल उमाल कढ़, किताब उसलात कढ़, बाबुल किरा कढ़। कंजुल उमाल लिखण वाला कटर हनफी है, हजरत उबादा बिन सामत रजी अल्लाह तआलान्हु इस हदीस रावी ने फरमाया मन ला सलात अली मन लम यकरा बि फातिहतिल किताब खलफल इमाम, उस बंदे की नमाज नहीं जरा इमाम के पिछे सूरत फातिहा नहीं पढ़ता। आइए हदीस नंबर 2 सुनिए, उबादा बिन सामद फरमाते ने काल काल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला खल्फल इमाम फल यकरा बि फातिहतिल किताब, जेड़ा बंदा इमाम दे पिछे नमाज पढ़ता है फल यकरा उनु चाहिदा सूरत फातिहा पढ़े। रब्बे किबरियाती कसम खा के कहना मैं मुकामे मुल्तजम ना बैतुल्लाह के अंदर जाके चंबड़ के भी कहांगा ओए लोगो लोकां दीआं नमाज़ां दा बेड़ा गर्क ना करो। जेड़ा बंदा नमाज के अंदर सूरत फातिहा नहीं पढ़ता अल्लाह नूं ओदी नमाज दी लोड़ ही कोई नहीं। आ मेरा मसलक ते मनहाई सुन, जनाजे दी पहली तकबीर तो बाद जिक्रे खुदा है, दूजी तकबीर तो बाद की अल्लाहुम्मा सल्ले अला, आंदा सानू मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद। अहीं ते फातिहा भी पढ़ने आ ते दरूद भी, ओ बोलो पढ़दे हो कि नहीं पढ़ने आवे, साडे ते इल्जाम ना लाया कर। तीजी तकबीर तो बाद दुआवां, चौथी तो बाद सलाम। मैयत लै गया कबर दे उत्ते, मैयत नूं कबर दे अंदर लाण लगे आ फिर की पढ़दे हो, बिस्मिल्लाहि वाला मिल्लति रसूलिल्लाह, फिर मेरे नबी दा जिक्र है। जदों ए लाह च चला गया मना मुई मिट्टी उत्ते पै गई है, आसमान तो फरिश्ते आ गए ने मन रब्बो का तेरा रब कौन है, आंदा रब्बी अल्लाह मा दीनो का तेरा दीन केड़ा दीन अल इस्लाम, मन नबीओ का तेरा नबी कौन है। फैसलाबादियो इत्थे एक बात गौर करे, आजे अगर ए नबी कबर दे अंदर आंदा मेरे नबी आदम ने जवाब दुरुस्त नहीं, अगर कहे नबी नूह ने जवाब दुरुस्त नहीं, नबी मूसा ईसा ने जवाब दुरुस्त नहीं, इब्राहिम यूसुफ ने जवाब दुरुस्त नहीं, 1,24,000 कमो पेश अंबिया का नाम ही ले जवाब दुरुस्त नहीं, उत्थे भी नहीं पूछा जाता मन पीर होगा तेरा पीर केड़ा। इत्थे ते आंदा ना मैं लड़ फड़ के जन्नत च वड़ जाना है,